हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। आज वीकली एक्सपायरी का दिन था, काफ़ी वॉलेटाइल दिन आज देखने को मिला। अगर आप दोनों इंडेक्स को देखें, बैंक निफ्टी और निफ्टी को, तो आपको अंदाज़ा आ सकता है आज कितना वॉलेटाइल दिन था। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट के गिरावट के साथ बंद हुआ, वही निफ्टी 47 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। बेसिकली देखें तो निफ्टी आज रिलायंस, L&T और ITC, ये तीन स्टॉक के वजह से हरे निशान में बंद हुआ है। अदरवाइज FNO के लगभग सभी स्टॉक देखे तो एक जिगजैग मूव आज देखने को मिला था। वीकली एक्सपायरी का दिन खास करके शॉर्ट सेलर्स सिर्फ एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं। ऐसे भी कई सारा ग्रुप है शॉर्ट सेलर्स का, वो सिर्फ एक्सपायरी के दिन ट्रेड करता है और ज़बरदस्त क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता है। तो यहाँ पर एक्सपायरी के दिन काफ़ी ज़बरदस्त वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, आज कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था जो हमने कल लेवल्स मार्क किए थे। निफ्टी पॉजिटिव वे में ओपन हुआ, जो फर्स्ट टारगेट था उसी लेवल के पास ओपन हुआ। शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं बनता, नीचे आया, ब्रेकडाउन लेवल को सपोर्ट टेस्ट किया, ऊपर गया तो ब्रेकआउट लेवल को रेजिस्टेंस फेस किया। देख सकते हैं कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ये लेवल्स काम कर रहे हैं। नीचे आया, ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक किया सेकेंड अटेम्प्ट में, और फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हुआ, 7.67 पॉइंट से बच गया सेकेंड टारगेट। यहाँ से बाउंस बैक हुआ तो ऊपर जाते वक्त ब्रेकडाउन लेवल को फिर से सपोर्ट टेस्ट करके ये ऊपर की तरफ बढ़ा। फर्स्ट टारगेट लेवल अचीव हुआ, जहाँ पर ये ओपन हुआ था उसी लेवल के पास आके ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। दोबारा से फर्स्ट टारगेट के लेवल के पास फिर से रेजिस्टेंस फेस किया। तो लेवल ज़बरदस्त सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए नज़र आए निफ्टी में। अभी चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर, फिर आर्ली चार्ट पर आएंगे। ये जो फर्स्ट टारगेट के पास ये हर्डल फेस कर रहा था, आर्ली चार्ट में अगर देखें तो क्लियर कट दिखाई दे सकता था कि यहाँ पर जो हमने फर्स्ट टारगेट लेवल मार्क किया था उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा था, आर्ली चार्ट में क्लियरली दिखाई दे रहा था। अभी डेली चार्ट पर एक बार चलते हैं। आपको याद होगा कल हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था, ये हाई और ये लो पकड़ के। दो टाइम इसने ये 38.2% का ये जो लेवल है यहाँ पर ये हर्डल फेस कर रहा था, ये अगर पार होता है तो नेक्स्ट 50 DMA का ये ब्लू लाइन यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। आज क्लोज भी देखिए उसी लेवल के पास हुआ है एग्जैक्ट। तो अभी ये जो लेवल है 50 DMA का, उसी के पास कुछ दिनों पहले इसने एक स्विंग हाई बनाया था और फिर नीचे गया था। तो ये 550 का जो लेवल आ रहा है 17,550, ये काफ़ी क्रूशल हो जाएगा। इसके ऊपर आर्ली चार्ट में सस्टेन करता है तो हमें निफ्टी में 17,700 के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अदरवाइज हो सकता है यहाँ पर निफ्टी एक हर्डल फेस करे। कल हफ्ते का लास्ट दिन है, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आया तो उसके वजह से वीकेंड में अगर कुछ खबरें आती है तो इसके डर के कारण इन्वेस्टर्स है तो ओवरनाइट पोजीशंस इस समय नहीं लेना पसंद करते हैं। तो देखना होगा, अगर 17,550 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें यहाँ पर 700 तक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये डेली चार्ट का सिनारियो है। अभी चलते हैं आर्ली चार्ट के ऊपर। ये 60 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। कल के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा अराउंड 17,557, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। इसके ऊपर फर्स्ट टारगेट बनेगा हमारा अराउंड 17,586, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 17,611, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। नीचे की तरफ अगर निफ्टी इंडेक्स आता है तो ये जो रेड कैंडल बना है आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा टेल छोड़ दिया है नीचे की तरफ, यानी यहाँ से ज़बरदस्त बुल्स का फिर से एक बार कंट्रोल आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो लेवल है 17,441, ये हमारा ब्रेक डाउन लेवल होगा, और इसके नीचे फर्स्ट टारगेट बनेगा हमारा अराउंड 17,422, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 17,397, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ये निफ्टी के लेवल्स हैं। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी जैसे ओपन हुआ, ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट भी अचीव हुआ, इसी लेवल के पास दोबारा से ये सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, ऊपर गया तो जहाँ पर ये ओपन हुआ था उसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस करके फिर से नीचे आया।
एग्जैक्ट सेकेंड टारगेट के पास इसने रेजिस्टेंस पे सपोर्ट टेस्ट किया और ऊपर की तरफ आकर फर्स्ट टारगेट के लेवल के पास ये क्लोज हुआ। तो बैंक निफ्टी में भी लेवल्स अच्छी तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते नजर आए। अभी कल बैंक निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए 60 मिनट के चार्ट पर जाना होगा। ये 60 मिनट का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स अगर नीचे की तरफ आता है तो कई सारे सपोर्ट लेवल्स हैं। पहला तो ये 100 EMA है, उसके बाद 20 EMA, उसके बाद 50 EMA। तो जैसे निफ्टी में एक हैमर जैसा कैंडल बनाया था, काफ़ी लंबा टेल छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं आर्ली चार्ट में ये जो लेवल है इसके नीचे ये क्लोज नहीं हो पा रहा है। आर्ली चार्ट में जस्ट पेनेट्रेट होके ऊपर आके ये क्लोज देता है। तो 37,000 ये जो लेवल है ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। इसके नीचे फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 36,938, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 36,868, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ऊपर की तरफ आता है तो ये जो सेकेंड अटेम्प्ट था बाउंस बैक का, तो यहाँ पर ये जो इसने स्विंग हाई बनाया है 37,225, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। इसके ऊपर फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 37,291, एक छोटा सा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 37,357, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स है कल के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।